स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं श्वेता तिवारी के बारे में। जी हाँ, श्वेता तिवारी अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में हिस्सा ले लिया है, जिसके कारण उनके पति काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, उनके पति अभिनव कोहली लगातार उन पर आरोप लगा रहे थे कि आखिर उनकी पत्नी उनके छोटे से बच्चे को छोड़कर खतरों के खिलाड़ी में चली गई। जिसके बाद आपको बता दें कि श्वेता तिवारी ने एक सीसीटीवी फुटेज सबके साथ शेयर किया और बताया कि कैसा व्यवहार अभिनव कोहली उनके साथ और उनके बच्चे के साथ करते हैं। लेकिन आज उस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि श्वेता तिवारी अपने दोनों पतियों से अलग रहकर अपनी आलीशान जिंदगी कैसे जीती हैं और उनका घर अंदर से कितना खूबसूरत नजर आता है। इन सब चीजों के बारे में हम खुलासा करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर अभिनव कोहली के साथ उनका ये विवाद किस वजह से इतना ज्यादा गंभीर रूप लेता जा रहा है। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। श्वेता तिवारी खुद जितनी खूबसूरत हैं उतना ही खूबसूरत उनका आशियाना भी है। श्वेता तिवारी अपने दोनों बच्चों बेटी पलक और बेटे रियांश के साथ मुंबई के कांदावली इलाके में रहती हैं। श्वेता अक्सर अपने इस सुंदर घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। जी हाँ, श्वेता तिवारी का घर अंदर से बेहद खूबसूरत है। जी हाँ, उन्होंने अपने घर को बहुत ही सलीके से सजा रखा है। अपने घर में उन्होंने काफ़ी वुडन वर्क करवा रखा है। श्वेता ने घर के अंदर भी काफ़ी सारे प्लांट्स लगा रखे हैं ताकि हरियाली बनी रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि श्वेता तिवारी के घर में एक बड़ा सा मेन हॉल है। इस हॉल में गोल्डन कलर का शानदार पार्टीशन लगा रखा है। हाल ही में एक बड़ी सी कांच की अलमीरा है जिसमें उन्होंने अपने सारे अवार्ड्स को सजा रखा है। और आपको बता दें कि श्वेता तिवारी ने अपने बेडरूम का फर्नीचर भी बहुत सिंपल रखा हुआ है। बेड के बगल में एक बड़ा सा लैंप भी लगा रखा है। जी हाँ, श्वेता तिवारी के घर की फोटोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है और साफ देखा जा सकता है इन फोटोज में कि उन्होंने अपने घर को कितनी खूबसूरती से सजाया है। वहीं आपको बता दें कि श्वेता तिवारी के घर का मंदिर भी बहुत प्यारा है, जिसे एक्ट्रेस हर त्योहार पर बेहद खूबसूरती से सजाती हैं। जी हाँ, श्वेता तिवारी को एंटीक चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक भी है। उनके घर में कई खूबसूरत एंटीक चीज़ों का कलेक्शन भी है। जी हाँ, श्वेता तिवारी का घर अंदर से जितना खूबसूरत है उतना ही क्लासी और स्टाइलिश उनके घर का किचन भी है। जी हाँ, आपको बता दें कि श्वेता तिवारी ने अपने हॉल में एक बेहद ही खूबसूरत बड़ी सी पेंटिंग लगाई हुई है, जिससे लगता है कि उन्हें पेंटिंग्स का भी काफ़ी ज़्यादा शौक है। जी हाँ, श्वेता तिवारी के घर की बालकनी भी बेहद खूबसूरत है। इसे एक्ट्रेस ने एक खूबसूरत लैंप और पौधों से सजा रखा है। यहाँ से मुंबई शहर के बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। वहीं आपको बता दें कि श्वेता ने अपनी पहली शादी राजा चौधरी से की थी। इसके बाद 21 साल की उम्र में वो माँ बन गई थी। राजा से उनकी एक बेटी है जिनका नाम पलक है। 2007 में श्वेता ने राजा के साथ अपने 9 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर दिया था। तलाक के करीब 6 साल बाद यानी कि 2013 में उन्होंने अभिनव कोहली से दूसरी शादी कर ली थी। जी हाँ, आपको बता दें कि अभिनव से श्वेता को एक बेटा है जिसका नाम रियांश है और श्वेता अपने बेटे रियांश के बेहद करीब है और उसे एक पल भी अकेला छोड़ना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन अभी उनके बेटे को लेकर ही बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, जो कि आप सबको पता होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों ही पति पत्नी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जिस तरह से राजा चौधरी ने श्वेता तिवारी के साथ बर्ताव किया था और उसके बाद श्वेता ने उनसे तलाक ले लिया था, कुछ उसी तरह का बर्ताव भी अभिनव कोहली भी करते हैं। फिलहाल श्वेता तिवारी अभिनव कोहली से अलग रहती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि श्वेता तिवारी अभी खतरों के खिलाड़ी में
शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका के केप टाउन में गई हैं, जिसको लेकर उनके पति ने काफ़ी ज़्यादा बवाल मचाना शुरू कर दिया था कि उनके बेटे को वो अकेला छोड़कर चली गई हैं और कई सारे आरोप अपनी पत्नी पर लगाए थे, जिसका पलटवार करते हुए श्वेता तिवारी ने एक CCTV फुटेज भी शेयर किया था, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि अभिनव कोहली किस तरीके से उनके बच्चे को उनसे छीनते हुए दिखाई दे रहे थे। इस CCTV फुटेज को देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया था। ये दिल दहला देने वाला वीडियो जब सामने आया तो हर किसी के होश उड़ गए। जी हाँ, हर किसी ने देखा कि किस तरह का बर्ताव आखिर अभिनव कोहली श्वेता के साथ करते हैं। जी हाँ, वहीं जब श्वेता ने यह CCTV फुटेज शेयर किया तो उसके बाद फिर से अभिनव कोहली ने लाइव आकर बहुत कुछ कहा। जी हाँ, आपको बता दें कि श्वेता तिवारी की ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल चल रहा है और श्वेता के वीडियो के जवाब में उनके एक्स पति अभिनव कोहली ने फिर से जवाब दिया। जी हाँ, अभिनव ने कई वीडियो शेयर किए, उनमें से कुछ में उनका बेटा कह रहा है कि उसे पापा के पास जाना है। एक वीडियो में अभिनव बेटे के साथ खेल रहे हैं और बेटा बोल रहा है कि उसे पिता के पास ही रहना है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये सारे वीडियोस खुद अभिनव कोहली ने शेयर करके दिखाए हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अभिनव कोहली। जी हाँ, आपको बता दें कि अभिनव ने और वीडियो दिखाया जिसमें श्वेता उनके घर बेटे से मिलने आती है और अभिनव कहते हैं कि मैंने हमेशा उनका स्वागत किया है, मैंने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है कि वो भी बच्चे के साथ रहें, लेकिन उन्हें सिर्फ लड़ना है, वह उसे अपने पास रखकर इस लड़ाई को जीतना चाहती हैं, उन्हें जीतना पसंद है, वो आज जिस मुकाम पर है वहाँ वह जीत कर आई हैं, इसीलिए स्टार बनी, लेकिन मुझे कानून पर भरोसा है। बता दें कि इससे पहले श्वेता तिवारी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने सच सामने आने की बात कही थी। इस वीडियो में उनके एक्स हस्बैंड अभिनव उनसे जबरन बच्चा छीन रहे थे और CCTV पर रिकॉर्ड हुए ये फुटेज वायरल हो रहे थे। लोगों ने एक्ट्रेस का बहुत सपोर्ट किया, जिसके बाद अभिनव ने भी वीडियो पोस्ट कर कहा कि सच सामने आने दो। ठीक यही बात श्वेता ने भी वीडियो शेयर करते टाइम लिखी थी। जी हाँ, तो इन सब चीज़ों से इतर आपको बता दें कि श्वेता तिवारी काफ़ी आलीशान ज़िंदगी जीती आ रही हैं, अपने दोनों पतियों से अलग रहकर और अपने दोनों बच्चों के साथ वो काफ़ी अच्छे तरीके से समय गुजारती हैं। जी हाँ, आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि श्वेता तिवारी अपने दोनों पति से अलग रहकर अपनी आलीशान जिंदगी कितने अच्छे तरीके से जीती है, उनका घर अंदर से कितना ज्यादा खूबसूरत है और प्यारा है। जी हाँ, उनकी बेटी पलक जहाँ अब जल्द ही फिल्मों में डेब्यू कर सकती हैं, तो वहीं उनका बेटा अभी काफी छोटा है जिसको लेकर अभी काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। अभिनव कोहली लगातार श्वेता तिवारी पर इल्जाम लगाते दिख रहे हैं, तो पलटवार करती हुई श्वेता तिवारी भी दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।